नमस्कार और स्वागत है आपका रेसिपी फ्रॉम इंडियन किचन में। आज हम लोग बनाएंगे नवरात्र की अष्टमी नवमी पे लगने वाला भोग, बहुत ही स्वादिष्ट काले चने और साथ में दानेदार सूजी का हलवा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए काले चनों को भिगोकर रख लिया है पानी में, और अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालकर धीमी आंच पर 4 से 5 सीटी लगने तक पका लेंगे। जब तक चने पकते हैं तब तक हम हलवा तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने 1 कप से भी कम दानेदार सूजी ली है, ये महीन सूजी नहीं है, और अब हम इससे हलवा बनाना स्टार्ट करेंगे। एक पैन में हम बहुत थोड़ा सा घी लेंगे, आधे चम्मच के करीब, और ये देसी घी है, बहुत ज़्यादा घी नहीं लेंगे। और ये भी घी हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी सूजी जले नहीं। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए हम अपनी सूजी को भूनेंगे। 7 से 8 मिनट तक भूनने के बाद ये सूजी काफ़ी हद तक देखिए ब्राउनिश हो जाएगी। जब ये अच्छे से ब्राउन होने लगेगी तब हम इसमें ऐड कर देंगे और घी। तो ये देखिए, ये ब्राउन होने लगी है 7 से 8 मिनट बाद। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच घी और ऐड करेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे। घी हम इसलिए बाद में ऐड कर रहे हैं ताकि अच्छे से सूजी फूल कर फूटना स्टार्ट हो जाए। और अब हम इसमें घी डालकर थोड़ा सा इसे और भूनेंगे ताकि ये थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए और सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल कर फूट जाए। इससे हलवा बहुत ही दानेदार बनता है। तो ये देखिए, और 3 से 4 मिनट तक घी डालने के बाद भूनने पे हमारा सूजी का कलर कितना अच्छा ब्राउनिश आ चुका है। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। 1 कप से भी कम सूजी के लिए मैंने 1 कप पूरा भर करके शक्कर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर अच्छे से शक्कर को मिक्स करेंगे सूजी के साथ। तकरीबन 1 मिनट तक शक्कर और सूजी को भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। 1 कप सूजी और 1 कप से ज़्यादा शक्कर के लिए हम यहाँ पर 2 कप भर के पानी का ऐड करेंगे। यहाँ पे सभी मेजरमेंट के लिए मैंने 1 ही कप का इस्तेमाल किया है। अच्छे से चलाते हुए अब हम इस सूजी को पका लेंगे इस पानी में। ऐसा करने में 6 से 7 मिनट और लग जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, पहले सूजी गाढ़ी होना शुरू हो गई है हमारा हलवा। अब हम इस टाइम पर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर करके देसी घी ऊपर से। ये हलवे को एक चमक भी देगा और बहुत ही रिच टेस्ट भी देता है। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है ये और सूख जाए और हलवा बिल्कुल दानेदार सूखा तैयार हो। ये देखिए, थोड़ा सा और पकाने के बाद ये देखिए काफ़ी हद तक सूख गया है हमारा हलवा। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इलायची पाउडर थोड़ी सी, साथ में चॉप ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम, साथ में थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे और हम उतार करके इस कढ़ाई को साइड में रख देंगे। अब हम अपने काले चने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। एक पैन में हम लेंगे तेल थोड़ा सा। ये देखिए, काले चने बिल्कुल पक चुके हैं मेरे, बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे, तेल के गरम होते ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरे के चटकते ही हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्ची चॉप किए हुए। आप ये दोनों चीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और अगर आप अदरक नहीं पसंद करते तो उसे स्किप कर सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, साथ में 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और अब साथ में 2 से 3 चम्मच पानी के ऐड कर देंगे, और ताकि ये मसाले जले नहीं। और इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम भूनेंगे। जैसे ही इसका पानी रिड्यूस होने लगेगा और तेल छूटने लगेगा, तुरंत हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। इसे हमें बहुत तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, नहीं तो सिर्फ मसाले हैं जल जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे कसूरी मेथी को भी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने काले चने जो हमने उबाल करके रखे हुए हैं, ये देखिए। और साथ ही में अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि पूरे मसाले इस चने के साथ अच्छे से लिपट जाएं।
क्योंकि सूखे मसाले हैं सभी, तो बहुत अच्छे से मिक्स होने में प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम। स्वाद अनुसार इसमें ऐड करेंगे हम नमक, और नमक ऐड करने के साथ ही हम इसमें ढक्कन लगा करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ देंगे, ताकि जो पानी हमने डाला है वो ख़त्म हो जाए और मसाले चारों ओर अच्छे से चने के साथ मिक्सअप हो जाएं। तो ये देखिए, सब कुछ मैंने करने के बाद इसे ढक कर के यूं ही छोड़ दिया। 4 से 5 मिनट के अंदर सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। 4 से 5 मिनट बाद हम इसे खोल करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी हद तक पानी ख़त्म हो गया है। अगर थोड़ा बहुत हो तो आप इसे ढक कर के और थोड़ी देर छोड़ सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए सभी मसाले बिल्कुल अच्छे से चने के साथ मिक्सअप हो गए हैं, कोट हो गया है सभी चना हमारा मसालों के साथ, और बहुत ही टेस्टी ये देखिए चने हमारे बन कर के रेडी हो चुके हैं। भोग प्रसाद का चना भी रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं अपने अष्टमी नवमी का भोग और